अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप ऑटोकैड 2013 उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको हैच के बारे में बताने जा रहा हूं। हैच बेसिकली होती क्या चीज है, इसको यूज कब किया जाता है, इस तरह की चीजें हम लोग देखने जाएंगे। हैच, आपके पास कुछ बने बनाए पैटर्न्स होते हैं, बने बनाए स्टाइल्स होते हैं, उनको आप अपनी ड्राइंग्स के अंदर अप्लाई कर देते हैं। मोस्टली हैच आपके पास सेक्शन एलिवेशंस में यूज होती है, लेकिन आप इसको नॉर्मली प्लान के अंदर भी यूज करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। अब मैप हैच को कैसे यूज किया जाता है, इसके लिए क्या चीजें होना मस्ट है, इस चीज को आज के लेसन में हम लोग देखते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैं अपने पास अपनी ऑटोकैड को ओपन कर देता हूं। ये मेरे पास मेरा ऑटोकैड ओपन हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहला काम हमेशा की तरह स्टूडेंट्स अपने यूनिट्स को सेटअप्स करेंगे। यूनिट्स को सेटअप्स करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से UN एंटर कर दें शॉर्टकट। मैंने UN एंटर की कीबोर्ड से। इंजीनियरिंग फिर सिरिंज, ओके। फिर मैंने डी एंटर किया और मैं यहां से भी इंजीनियरिंग फिट सरेंज ओके और क्लोज कर देता हूं, ठीक है। तो ये मैंने अपने सेटअप्स कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, अपने पास एक सर्कल ले लेता हूं या एक बॉक्स ले ले, कुछ भी आप शेप एक ले ले हैच के लिए। अब हैच हमेशा याद रखिएगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की जाएगी, लाइनों वगैरह के ऊपर हैच अप्लाई नहीं की जा सकती। जो ऑब्जेक्ट क्लोजिंग होते हैं उनके ऊपर हैच अप्लाई की जाती है। जैसे ये मेरे पास सर्कल क्लोजिंग है और मेरे पास पॉलीगॉन है, मेरे पास रेक्टेंगुलर है, इस तरह की चीजों के ऊपर आप हैच को इजीली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप लाइन की मदद से अपने पास क्लोजिंग लाइन बना लें, आप इन लाइनों के ऊपर भी अपनी हैच को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं इस सर्कल के ऊपर हैच अप्लाई करने जा रहा हूं। आप हैच को अप्लाई करने के लिए आप यहां पर आ जाएं तो इधर क्लिक कर दें हैच के ऊपर। इसकी शॉर्टकट है एच, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसकी शॉर्टकट क्या है, एच। तो आप जैसे ही एच पे एंटर करेंगे आपकी हैच ओपन आ जाएगी। लेकिन इससे पहले फिर मैं आपको बताता चलूं डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपको अभी हमें कॉल करना होगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 03439017779, 03479430001 पे आप किसी भी टाइम पे कॉल कर सकते हैं। तो हैच के लिए आप एच पी एंटर कर सकते हैं कीबोर्ड से, सिंपली इसके ऊपर क्लिक भी कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए ये मुकम्मल जो मेरे पास है पैटर्न ये चेंज हो चुका है, ठीक है। ये रिबन मुकम्मल चेंज हो चुका है और यहां पर आ चुका है हैच क्रिएशन। अब इसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, अपनी हैच को सिलेक्ट कर देना होता है। अब दो चीजें हमारे पास होती हैं, एक हमारे पास पिक पॉइंट होता है और एक हमारे पास सिलेक्ट बाउंड्री ऑब्जेक्ट होता है। तो अभी मैं आपको बाउंड्री ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूं, पिक पॉइंट में आपको आगे जाकर यूज करना बताऊंगा। तो सिलेक्ट पॉइंट पर आ जाएं, आप अपने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर डालें। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया, इसके ऊपर देखिए कुछ कलर्स आ चुके हैं। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है ऑटोकैड को कंफर्म हो गया, ऑटोकैड ने आपको कंफर्म कर दिया है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हैच अप्लाई कर दी गई है। अब अगर आपको यही स्टाइल चाहिए तो सिंपली आपने इसको क्लोज कर देना है। अगर आपको ये स्टाइल नहीं चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, आप इधर आ जाए पैटर्न्स के अंदर, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स हैं, ठीक है। और ये रहे हैच के ऊपर क्लिक कर दें तो ये रहे स्टाइल्स। अब मेरे पास ये एक स्टाइल अप्लाई हुआ है, ये मेरे पास सॉलिड है। सॉलिड में क्या होगा, आपके पास फुली एक कलर आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। इधर आ जाए अगेन और यहाँ से मैं ये ब्रेक्स उठा लेता हूँ। अब जैसे मैंने ब्रेक्स उठाए, देखिए ये मेरे पास इधर ईंटों के निशान बने हुए आ चुके हैं, ठीक है। अब इनकी तादाद को आपने कम करना है या ज़्यादा करना है, इसके लिए फिर आपको आना होगा यहाँ पे। ये क्या आपके पास हैच पैटर्न स्केल है, तो जस्ट आप इधर आ जाएं, इसको देखें या आप इसको कम करते जा रहे हो यहां से, ठीक है। ये रहा, ये रहा, इस तरह से इधर आ जाएं, ये आप इसको ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको कम या ज्यादा से स्केल कर सकते हैं, इस तरह से आप इसे क्लिक कर डालें। इस तरह से आप अगर इसका कोई एंगल चेंज करना चाहें तो देखें स्टूडेंट्स, मैं इसको एंगल स्पेस का आसानी से चेंज कर सकता हूँ हैच का। तो आपके पास ये हैच एंगल भी चेंज किया जा सकता है। अब अगेन मैं इधर हैच के ऊपर आ जाऊंगा और मैं कोई डिफरेंट किस्म की हैच अपने पास पिक कर लेता हूँ।
मैं यहाँ पे पिक करना चाहूंगा हैच, वो है देखिए मुकम्मल आपके पास इधर वैरायटी मौजूद है। मैं स्टार को लाना चाहूंगा यहाँ पे। मैंने जैसे स्टार के ऊपर क्लिक किया, अब देखिए मुझे स्टार जो है वो परफेक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, मेरे पास ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे अगेन ऊपर अपने स्केल पॉइंट पे चला जाना होगा। देखिए इसने मुझे ऐसे दिखाई दिया। अब ऐसा इसलिए है, या तो स्टार का साइज बहुत बड़ा है या तो बहुत छोटा है। अब इसको कंट्रोल में लाने के लिए आप यहाँ पर कुछ अपनी मर्जी से साइज टाइप कर दें। तो मैंने 50 टाइप किया, तो देखिए अब जैसे जैसे मैं इसे बढ़ाता जाता हूँ तो इसका साइज मेरे पास कंट्रोल में आ रहा है। जैसे जैसे इसमें कम करता जा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखते जाए, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, यानी कि जिस चीज का साइज आपको नजर ना आए उसके फिर आपको स्केल को कम या ज्यादा करना होगा। अब देखिए जैसे जैसे मैं इसका स्केल बढ़ाता जा रहा हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू इधर बढ़ती जा रही है। ठीक है, इस तरह से अगर आप इसका भी एंगल चेंज करना चाहें, देखें आपके पास ये स्टार्स का भी एंगल चेंज होता जा रहा है। ठीक है, इस तरह से डी स्टूडेंट्स आप इसके बैकग्राउंड कलर यूज कर सकते हो। आप यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर क्या है, बैकग्राउंड कलर इसका क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं इधर आ गया हूँ, मैं इसको कलर देता हूँ यहाँ पे येलो कलर दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो कलर चूज कर देता हूँ वो रेड यूज कर लेता हूँ। अब ऊपर वाले कलर का क्या मतलब हो गया, मींस आपके पास जो हैच का जो ऑब्जेक्ट है इसको आपने कलर कौन सा दे दिया, रेड आप इसे देना चाह रहे हो, जबकि जो उसके पीछे कलर है आप उसको बैकग्राउंड के तौर पे कौन सा कलर चूज करना चाह रहे थे वो आपने ब्लू किया है। ठीक है, तो आप इसके हैच के कलर भी डिफरेंट्स यूज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जब आप इसको एंटर कर देंगे या आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो आपके पास ये हैच आपकी अप्लाई होकर आपके सामने आ जाती है। अब डियर स्टूडेंट्स मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ मुख्तलिफ किस्म के मजीद ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं एक और ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। देखें ये मैंने एक और राइट एंगल ड्रॉ किया REC, और मैं यहाँ पर भी एक ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप सर्कल उठा लें, यहाँ पे आपने इसको सी इंटर कर देना है, और मैंने इसको सी इंटर किया और मैं एक सर्कल इधर ड्रॉ कर देता हूँ और एक और सर्कल में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए ये मैंने मुख्तलिफ ऑप्शंस यानी कि मुख्तलिफ शेप्स मैंने इस जगह पर ड्रॉ कर दी हैं। तो अब चलते हैं अगेन हैच के ऊपर। मैं हैच के ऊपर आ गया हूँ और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट उठाऊंगा, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एक पॉइंट दे दें और इसको दूसरा पॉइंट दे दें। अब ये आपके पास हैच अप्लाई हो चुकी है। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें, तफसीरन देखें, तो आपके पास जो आपकी हैच है वो जस्ट बाहर के वाले एरिया पे है। अब ये अंदर हैच क्यों नहीं अप्लाई हुई है, ऐसा इसलिए है, इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर जाना होगा। देखिए ऑप्शंस के ऊपर आप क्लिक कर दें और यहाँ पर होता है आपके पास हैच का स्टाइल, आप इसे क्लिक कर दें। आपके पास बेसिकली एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल में क्या है, एक के ऊपर हैच होगा, एक के ऊपर नहीं होगा, फिर एक के ऊपर होगा, फिर एक के ऊपर नहीं होगा, फिर एक के ऊपर होगा। अब ऐसा इसलिए होता है, बाज़ का आप कोई फर्ज करें दीवार के ऊपर हैच लगा रहे हैं, वहां पर विंडोज वगैरह है, विंडो के ऊपर आप हैच नहीं लगाना चाहते, तो फिर आपको वापस ऑप्शंस के ऊपर आने के बाद आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस चूज करनी होती हैं। अगर आप आउटर उठा लेते हैं इट्स मीन सिर्फ बाहर बाहर वाली के ऊपर आप हैच अप्लाई करो। ठीक है, अगेन आप इधर आ जाएं, क्लिक कर दें यहाँ पे, और अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं तो मीन सबके ऊपर हैच को जाने दें, तो वापस आप इधर आ जाएं। मैं इधर आ गया हूँ यहाँ पे, और इसको मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, सिंपली तो ये आपके पास हैच के इधर मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाती हैं। तो मैं इसको नॉर्मली ले लेता हूँ, तो आपने इसको नॉर्मली यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, क्लियर। जैसे ही आपको ये हैच कंफर्म है तो आप इसको भी यहाँ से क्लोज कर देंगे। आपने क्लोज किया, आपकी हैच अप्लाई हो चुकी है। अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है जो कि हर क्लिक पे अलग अलग ऑब्जेक्ट है, अलग अलग सिलेक्शन हो रही है। तो इसके लिए फिर हमें हैच को कैसे अप्लाई करना होता है, एच शॉर्टकट है हैच की, याद रखिएगा एच। तो आप एच पे क्लिक कर दें, एच प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से, मैंने एच प्रेस कर दिया है, और यहां से अपने पिक पॉइंट उठा लेता हूँ। ठीक है, पिक पॉइंट पे क्या होता है, आप इधर आए और जस्ट इसके अंदर आपने माउस को ले आए। ठीक है, या क्लिक कर दें, आप क्लिक कर देंगे तो कंफर्म कर देगा ये आपको। ठीक है, अब ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर गैप ले आते हैं। चलें,
देखते हैं क्या करेगा ये। मैंने इसके अंदर गैप लाया, अब देखते हैं क्या सिचुएशन हमारे पास क्रिएट होती है। एच हैच मैंने लगा दिया और पिक पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, तो देखिए अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कहता है क्लोज बाउंड्री, गुड नॉट। ठीक है, आपके पास जो बाउंड्री है वो इसको इतने फाइंड नहीं की है क्योंकि आपके पास ये यहाँ से क्या है, क्लोज है। तो जब तक ये आपके पास क्लोज नहीं होगा उस वक्त तक हैच अप्लाई नहीं हो सकती आपकी। अब ये क्लोज हो चुका है, अब अगेन आप एच एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से और बाउंड्री उठा लें और जस्ट आप यहाँ पर आ जाएं। देखें जैसे आप इधर आते हैं, अभी तक मैंने क्लिक नहीं किया, जस्ट मैंने माउस को अपने इसको ओवरव्यू किया है, देखिए इसके ऊपर लाया हूँ। जैसे मैंने इसके माउस को अवर किया तो उसने मुझको हैच दे दी है, इट्स मीन्स इसके ऊपर हैच अप्लाई होगी मेरी। इसका मतलब ये है आपकी हैच इसके ऊपर अप्लाई हो सकती है। अब जस्ट आप इसे क्लिक करें, आपने क्लिक किया, इसने कंफर्म कर दिया कि यहाँ पर अब आपकी हैच अप्लाई हो सकती है, तो आप इसे अपनी हैच कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही हैच रहने देता हूँ लेकिन मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप इसे क्लोज कर दें, तो आपने इसको क्लोज कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो मेरे पास सिंपली हैच की ऑप्शंस थी। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगर आपको इन वीडियो की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए उसके लिए अभी आपको हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा ऑनलाइन हेल्प नंबर है 03439017779, या हमें कॉल कर सकते हैं 03479430001 पे। जी स्टूडेंट्स, मजीद मालूम और अपडेट के लिए भी आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हॉट कॉपी बजरिया ITCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डी स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है, अभी हमें मेल करें। मेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप पे ज्वाइन करने के लिए हमारा आईडी है xpacademy, सेम फेसबुक का भी हमारा आईडी है xpacademy। तो हमारा और हमारी हेल्पलाइन नंबर है 03439017779 पे आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।